কেদারনাথৰ পৰা আহি আমি এইখন হোটেলত আছিলোঁ। হেল্ল' ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চেনেল ডি কে ব্লগ্স। তো রাকেশ জি, আজ আম কাহা যায়েঙ্গে? হ্যালো, আজ হাম ইয়ে জায়গা কা নাম হ্যায় শেরসি, ইয়াহ সে ভি হাম স্টার্ট কর রহে হ্যায় অর হাম জা রহে হ্যায় বদ্রীনাথ সাইড। বদ্রীনাথ সাইড মে হাম লোগ পান্ডুকেশ্বর যা কে এক জায়গা হ্যায় ওয়াহাঁ পে রুকেঙ্গে, অর রাস্তে মে হাম ইয়ে তোপ্তা ও জো হ্যায় আপকা পিপল কো ভি জো চিমট হোতে হুয়ে যায়েঙ্গে, ইয়ে হামারা রুট হোগা। তো চলে জয় বদ্রী বিশাল, জয়। যাত্রা আরম্ভ হল আমার। এতিয়া ইয়ারে টেম্পারেচার 18 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, ধুনিয়া মানে বতর, মৌসম বড়িয়া হে, ব্লক আগলে গই থাকু, তারপর আপনার কথা আমি এই হিমালয়া পাহাড় মালার মাজরে গই আছো। ये जगह का क्या नाम है? भूतकाशी। भूतकाशी ये भारत सेवा आश्रम है ये ना? हाँ, यहाँ से बर्फ स्टार्ट हो जाता है। अभी अगले महीने से बर्फ गिरना चालू हो जाएगा। ये रास्ता बंद भी हो जाता है, इतनी बर्फ गिरती है। और इसमें जो चीते रहते हैं वो फिर नीचे चले जाते हैं ऊखी मठ साइड या उधर दूसरी साइड चमोली साइड, क्योंकि यहाँ पे तो बर्फ इतनी पड़ जाती है ठंड में वो रह नहीं पाते। तो अभी इधर में उतरने का डर है ना? हाँ, इधर उतरने का डर है, जंगल में अपनी गाड़ी से नहीं उतरना चाहिए। हम ग्रास तो खुला है, बंद कर देते। कोई बात नहीं, आपको खा लेगा, उसकी पार्टी हो जाएगी। बस वो उसका जंगल में अगर भोजन मिलता रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वो सड़क की तरफ तभी दौड़ता है जब उसको भोजन ना मिले, ज्यादा कर वो बकरी वकरी का शिकार कर लेता है। जय भैया, भगवान से माफी मांगता है, पार्किंग प्रॉब्लम है। लोग तो उन्हें नहीं लेंगे। ट्रैकिंग किया, परसों भी किया, सेहत का भी ध्यान देना चाहिए। ইয়াতে আহি গাড়িখন ৰখি গ'ল, মানে ইয়াতে এন্ট্রি কৰিব লাগে। ये ठीक जगह खड़े, ये दोनों गाड़ी वाले ठीक जगह खड़े, शांति में রাস্তার ওসরত এনেকুৱা রূপালী বন্ধ দেখা যায়। আহি আহি দুপৰীয়া এইখন হোটেলত আমি ভাত খাওঁ, হারিয়ালি রেস্টুরেন্ট। ये नाना जी आपका दुकान है? हाँ, मैं ये रेस्टोरेंट जो है 2000 से शुरू है, और यहाँ से जो है रुद्रनाथ जी का ट्रैक शुरू होता है। यहाँ से दो रास्ते हैं, एक ग्वाड़ से एक सगर से। सबसे सुटेबल रास्ता जो है ग्वाड़ वाला है, जिसमें चढ़ाई कम और घास वाला रास्ता है, और चढ़ाई नहीं है इसमें। ये रास्ता जो है आपका मौली खर्क में मिलते हैं दोनों रास्ते, वहाँ से फिर जो है रुद्रनाथ के लिए एक रास्ता है। और आपको यहाँ पे रहने का, खाने का, जो हर चीज़ की जो है अच्छी सहूलियत मिलेगी। आपका पास ये जो बैठ रहा है, हाँ, ये कौन है? ये मेरी नातनी है, लड़की की लड़की है। अच्छा, बोलिए तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनामिका है, और ये मेरे नाना जी हैं। मैं यहाँ छुट्टी मनाने आई हूँ कुछ दिन के लिए। आप कहाँ रहती है? मैं देहरादून में रहती हूँ। देहरादून में रहती जी। और जो आया है घर में क्या करती है? जगह घूमता है ना क्या? हाँ, हम वेकेशन पे आई हूँ तो नाना की थोड़ी हेल्प कर देती कभी। हाँ, होटल में जी। बढ़िया बात है, पढ़ रही है ना? जी, मैं पढ़ रही हूँ। क्या क्या? मेरा ग्रेजुएशन हो गया, मैं ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पढ़ रही हूँ।
ठीक है, आप लोग को मिलके अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा, आप लोग को मिलके अच्छा लगा, बाय बाय। अभी बोलिए, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट है, हम लोग इधर से आए हैं केदारनाथ साइड से चोपता होते हुए, वापसी में हम बिल्कुल सीधे चले जाएंगे, ये मैं बता रहा था रूट। अच्छा अच्छा ठीक है। एक तानेल मिल गया, एक सौ मीटर का, एक सौ मीटर होगा ये तानेल। तो देखिए ऊपर में तानेल भी तोड़ दिया स्लाइडिंग में, कितना भयंकर स्लाइडिंग। प्रवेश कर चुके हैं, यहाँ से 44 किलोमीटर है बद्रीनाथ, लगभग 1.5-2 घंटे लगते हैं बद्रीनाथ यहाँ से जाने में। और हम लोग कहाँ ठहरेंगे आज? हम लोग, हमारा विचार बन रहा था यहाँ से 22 किलोमीटर आगे पांडुकेश्वर एक जगह है, वहाँ रुकने का। आप लोग, आपका विचार में तो हम चल रहा है सरदार लोग, क्या बोला सरदार लोग? यहाँ से नीचे गुरुद्वारा है, यहाँ से पैदल रास्ता वहाँ जाता है हेमकुंड, लगभग 17-18 किलोमीटर है, बहुत जबरदस्त ट्रैकिंग है, मतलब हमारे केदारनाथ से भी ज्यादा है वो, हमारे केदारनाथ से बाद में खुलता है और पहले ही बंद हो जाता है। ये जगह मिल गया हम लोग का पांडुकेश्वर, ये पांडुकेश्वर टाउन है। केदार में हम लोग ठहरेंगे कोई होटल में, आज राति हम एक होटल थकी है, होटल रघुवीर रेस्टोरेंट। ভিডিওটো আজি এইখিনি আছিলে, অহাকালি আকৌ নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ, আজিলৈ বাই বাই।